अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अचारी भिंडी। ये एक किलो भिंडी ली है मैंने, इनको धो के ज़रा छोटे साइज़ में काट लिया है। इसमें कोई टमाटर प्याज कोई इमली वगैरह कोई चीज़ नहीं जाएगी। इसके अंदर सिर्फ हम खट्टा करने के लिए 2 चम्मच सिरका डालेंगे। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा डालना है आप लोगों ने, लहसुन और साबुत धनिया, इसको मिला के आप लोगों ने कूट लेना है। साथ में ये मसाले शामिल कर लेने हैं, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक या अपने जायके के मुताबिक, और थोड़ी सी कलवंजी और थोड़ा सा मेथी दाना, और बाद में दम पे हम थोड़ा सा ये डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स करके ये देखें कूट लिया है, ये मसाला बन गया है इसका, ये मसाला तैयार है। अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ऑयल मैंने डाला है, इसके अंदर गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे भिंडियाँ। भिंडियों को आप अच्छा सा फ्राई कर लें। ये देखिए भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, हाफ फ्राई हो गई हैं। आप लोगों ने इसको रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चा रखना है। अब जो मसाला मैंने आप लोगों को बताया था वो सारा मसाला इसके ऊपर डाल दें। ये बहुत ही आसान है। ये देखिए मसाला थोड़ा सा भून गया है जो मैंने डाला था, 2 से 2.5 मिनट के लिए आप लोगों ने बस इसके अंदर फ्राई करना है। फिर ये जो सिरका मैंने बताया था तकरीबन ये 2 चम्मच मैंने सिरका डाल के रखा हुआ है। अगर आप लोगों को भिंडियों में कोई मसला है, भिंडियाँ पक्की है या कोई और, तो आप इसके अंदर दही या सिरका और अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर 2 चम्मच सिर्फ सिरका डाला है। अब मैं इसको दम पर रख दूँगी। देखें भिंडिया हमारी गल गई, मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इनको दम पे रखा है। अब इसके ऊपर मैं 2 से जो मैंने आप लोगों को गरम मसाला बताया था वो गरम मसाला डाल दूँगी थोड़ा सा, और आपकी अपनी चॉइस है आप जितनी सब्ज़ मिर्चें डालना चाहें। मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको दम पे रख दिया। 2 मिनट बाद मैं आप लोगों को डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखें मैंने डिश आउट कर दी है, ये आप लोगों की अचारी भिंडी तैयार है। ये देखिए इसके अंदर ये सारे मसाले आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, मेथी दाना, सौंफ, कुलवंजी, और बाद फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ अगर गलने में कोई मसला हो तो आप लोग इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, अगर सिरका डालना चाहें तो सिरका भी डाल सकते हैं, दही डालना चाहें दही भी डाल सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस है। ये देखिए तैयार हो गई है।